मैनेजमेंट के ऊपर निशान हो जिसमें मीटिंग हुई डॉक्टर अनुप सराज साहब मुसलसल दो तीन साल से ये मीटिंग करा रहे हैं पेन के ऊपर, तो मुझे भी वो आप सब मेरे से मोहब्बत करते हैं, वो मुझे भी बुला लेते हैं। मैं भी तीन दिन जाके गई थी, सुनता रहा वहाँ, सुनता रहा, समझ मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आई, लेकिन एक मैसेज मुझे ज़रूर मिला कि पेन मैनेजमेंट नहीं चुनानी सीख। तो मैंने आज से दो महीने पहले अपने यहाँ मीटिंग की, तो आज उसमें कुछ चार पाँच लोगों का और इजाफा हो गया है। अभी मैंने इसको फोकस भी नहीं किया, इस तरह से मैं फोकस करता हूँ मीटिंग को, मैंने फोकस भी नहीं किया अभी। तो मैं आप लोगों का इस लिहाज से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला और दर्द को समझने के लिए आप आए, तो ये बड़ी एक बात है अच्छी। असल में जब हम किसी को फोर्स करके लाते हैं तो उसमें वो चीखने का जज्बा नहीं होता, लेकिन जब पता पता अपने शौक से आता है ना तो उसको बहुत कुछ दे के जाता है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ये जो खाली चेयर आपको नज़र आ रही है ये भी हार जाएगी, लेकिन मैंने भी वो जो ना रवायती किस्म का जो मामला है ना उसको मैंने नहीं देखा। मैंने आपके अंदर में अंदर से ही एक चीज़ जो है ना वो उभारनी है कि हमने सीखना है, आपने सीखना है और आपने जाना है और हमने कुछ दे के आना है। अगर आप में ये बात आ गई तो यकीन करें कि वो सारी घूम घूम की कैफियत है ना और ये जो बादल हैं ये सब छड़ जाएंगे। एक हकीम सही जो है ना, एक हकीम सही हाजी करीब में हमें पूरी दुनिया में स्टैंड दे गया। आप में से अगर एक बंदा पैदा हो गया ना तो समझे कि बाकी जो ड्राइवर है उसके तुम्हारे जान छूटना छोड़े, आपकी वजह से शायद हमारी जान आखिरत में छूट गए। तो ये एक मौजूद है, हम इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और मैं जब किताब खोलता हूँ तो मैं दर्द को देखता हूँ तो वो मुझे पकड़ के दर्द कहता है मुझे इस तरह से बयान करो, मुझे इस तरह से बयान करो, मुझे इस तरह से बयान करो। वो मैं मेरे लिए बड़ा है, मेरे इतने इसके अंदर से मेरे पास मौजू है कि मैं आपको बयान करना चाहूँ तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। आज का जो सबसे अच्छा लेक्चर है वो शाहिद साहब का है, इस बार आप मेरे बकायदा तारीखी सर्टिफिकेट नेक्स्ट मीटिंग में आपको इंशाल्लाह अवार्ड करेंगे। बहुत अच्छा आपने लेक्चर तैयार किया, आप दोस्तों को भी दावत है टू दी पॉइंट, चाहे एक मिनट का, एक मिनट से ज़्यादा नहीं हो लेकिन टू दी पॉइंट हो। आपने पेन के ऊपर एक नुस्खे पर बात करें, एक अलामत पर बात करें, हमें वो आपकी अच्छी लगी। हमें कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमें कोई बातें नहीं चाहिए, हमें टू दी पॉइंट एक बात चाहिए ताकि आप लोगों का कीमती वक्त जो है वो ज़्यादा ना हो और हम इसी मंजिल की तरफ जो है वो सफर कर सकें। मैं ये चाहता हूँ कि आपके ये जो कीमती नोट्स हैं आप अपने ये नोट्स भी जो है वो सबमिट करेंगे, तो ताकि मैं उनको हम एक जो है वो डॉक्टर की शिकल भी देते चले जाएँ जो अच्छी चीज़ हमारे पास कलेक्शन करती है, ताकि बाद में आपको कोई चीज़ अवार्ड की जाए और आप उससे फिर सारी जिंदगी फायदा उठाएँ। ये एक फोरम होता है जहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ इसे बिल्डअप करने की, बेसिकली आप लोगों ने ये करना है। मैं आप ये चाहता हूँ कि आप मेरे कुछ बच्चे हैं जो आगे बढ़ें और इस चीज़ को आगे लेके चलें। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत से दोस्त जब आप कोशिश करते हैं तो आपके हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं। मैं आज को देखने का मेरे आज का दे मेरे जेरे बता लिया जो वो बड़ी बड़ा। मैं आपको एक बात बता दूँ कि तिब की अलफ जो है ना ये नुकता समझ लेती है यूनानी, या जो हम पढ़ते हैं ना एफ डी जे में दो किस्म की हम थ्योरियाँ पढ़ते हैं, एक थ्योरी सेल्फ थ्योरी पढ़ते हैं जो नॉर्मल फिजोलॉजी पैथोलॉजी की शक्ल में हम आपको डाइट करते हैं, जो हमारे हालांकि 1965 में डिज़ाइन हुआ था हमारा सिलेबस, लेकिन उस वक्त भी वो तिब भाई इतने थे माशाल्लाह से नॉलेज, तो उन्होंने ये थ्योरी भी हमें थोड़ी सी हमारे साथ टच कर दी। अब तो ये बहुत दूसरी थ्योरी हमारी जो है वो सलामती है, वो हमारी तबीयत है हमारे, हम उस लिहाज से उसको देखते हैं। तो यूनानी के जो मजामीन है बेसिकली आप समझ लें इल्म लदविया है, इल्म लदविया के साथ जो है आपका तरीके दिल है, तरीके दिल के साथ आप सेकंड ईयर में आप आते हैं तो आपको फिर और फर्स्ट ईयर में कुलियात है आपके साथ, सेकंड ईयर में मिजानु दिल है कुलियात है और इसके साथ जो है मजमून एक बहुत दमासा किताब किया था। जब थर्ड ईयर में आप आते हैं तो वहाँ आपको पैथोलॉजी के मजमून के अलावा या टॉक्सिकोलॉजी के अलावा बाकी फिर सारी तिब्बी है, और फोर्थ ईयर में तो टोटली फिर आपको सारे मजामीन जो है वो तिब के मिलते हैं, यानी आप ज़्यादातर साइकोलॉजी के आते हैं चंद काफ़ी, लेकिन बेसिकली वो भी हम देखेंगे तो पक्का ही पाते हैं।
तो याद एक बड़ी बात याद रखिएगा कि जो तिब की अलफ है वो आपकी इल्मुल अदबिया है, किताबुल मुफरदात है, और तिब की जो शे है वो ये बड़ी ब्याज है। बड़ी ब्याज के अंदर जो कलेक्शन है ना, आप जो सोचेंगे ना उसका, जो आप सोचेंगे वो इसके अंदर मौजूद आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ उन्होंने कोई चीज़ आपकी नहीं छोड़ी, उन्होंने इसको बड़ा जो है कॉम्प्रिहेंसिव इसको जो है ना यहाँ आपके लिए इधर है। लेकिन शर्त यह है कि हम इसे पढ़ें, ये हमारी बताए गुनशुदा है, और मैं लोगों को इसके नाम का भी नहीं पता। मैंने तो अभी 3-4 साल से पहले हम नोट्स ही इन बच्चों को देते रहे जो मैं समझता हूँ जुलम करते हैं, फिर 3-4 साल से हमने आप जो प्रॉपर आपकी मसाफी को मैं वो हमने यहाँ नोट्स कर दिया, हम तो वही अध्यापक अब उसको मैं ये पैदा हो गया कि बच्चा बेशक पढ़ता है या नहीं पढ़ता, उसके बाद वो खजाना तो चला जाता है ना। हमने कहा अगर फिर प्रैक्टिस करनी है तो वो कुछ फील्ड में कुछ करेगा, ये बड़ा लाजमी है। तो मैं आज बड़ी मेरी बात ये इधर से निकल गई, काफ़ी बड़ा मज़ेदार है, चीज़ भी बड़ी लंबी मुझे जानी है, दिल करता था कि मैं वो चीज़ थोड़ी सी आपको बयान करता चलूँ, लेकिन मौजू मेरा होगा सिर्फ सर का दर्द, दर्द सर, और दर्द सर के ऊपर जो है आज बात होगी नेक्स्ट। और दर्द सर के ऊपर जो तिब यूनानी में हमारे पास यहाँ 70 बैसड है, आप पाँच नहीं है, ये बड़ा दरखेज फील्ड है। और मैंने जब इसको देखा था मैं छलांगे वहाँ में हैरान रह गया, इतने इसके ऊपर दर्द सर के इलाज है, इतनी मैनेजमेंट है, आप हैरान हो जाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि आप जो है सीखने में कितने जो है इंटरेस्टेड है। सुने दर्द सर जिस शख्स को है, पहली बात देखें जब आप उसके इलाज करना है तो आपने पहले मैनेजमेंट भी ये करना है, कुछ तबहीर पैदा करने वाली दवाइयाँ दवाएँ हैं वो आपने बात करनी है। फिर मुहर्रक चीज़ें, मुहर्रक चीज़ों में इंटरकोर्स आता है और ज़्यादा सोच आती है, आपने ये दो चीज़ें भी जो साइकोलॉजिकली उसको अफेक्ट कर रही है आपने इसको भी उसे स्टॉप करना है। एक फिजिकली कर रही है, एक साइकोलॉजिकली कर रही है, तो तीन बातें खाने के वाले थे, आपने उसके जो बाकी चीज़ें हैं हम जो आपने दिमाग में जो पेट का वाला आपने वो बंद कर दी, नब्बे साल की उम्र फिजिकली आपने इनका कोर्स का बंद करना है, और तीसरी जो चीज़ है साइकोलॉजिकली आपने उसकी जो थिंकिंग है वो जो सोच रहा है वो उसको आपको रोकना है। तो ये तीनों चीज़ें अगर मौजूद रहेंगी तो दफ्ते साथ ध्यान नहीं छोड़ेगा, वो चलता रहेगा। दूसरी बात आराम से रहना, खाना कम खाना, पानी कम पीना, हालत शराब का ना पीना, दर्द सर की अक्सर इकसाम का इलाज है। यानी आप इलाज पर तदबीर करेंगे ना तो इसी में आप शायद आपको दवाई उत्तर देना चाहता हूँ, मैं यहीं आप उसको मैनेज कर देना। दर्द सर के बाद इकसाम जिसमें खासतौर पर जो गर्मी की वजह से दर्द सर होता है उसमें जो शराब है अगर उसमें पानी मिला के उसको पी लिया जाए तो वो फायदा करती है, ये एक देर में रखिएगा। अगर दर्द सर मादी हो, अब मादी दर्द सर कौन सा है, आपने खलात पढ़ी है गुम बलगम सबरा सौदा, जब इनमें बगार पैदा होगा तो फिर जो मर्द पैदा होगा वो मादी होगा, इनमें बगार पैदा होगा तो ये इसे हम कहते हैं दर्द सर मादी। जब दर्द सर मादी हो तो फिर आपने क्या करना है, मादा चूंकि सर दर्द होगा सर में, मादा को डाइवर्ट करना है किधर, नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम जब जामा कराते हैं तो जामा में एक जो है सर के बराद में सकैन के ऊपर जो टॉप लगा रहे हैं वो क्लासिकल है। तकरीबन मैं वो जामा बढ़ा जो 5 साल हो चले हैं तो दिमागी अमराज में सकैन का हजामा मस्ट है कि आप जो है वो पिंडलियों के ऊपर कप लगाए। तो मादे को नीचे की तरफ जो है लाने के लिए जो यहाँ दीपक राम ने आपको कहा कि उन्हें क्या कि अगर जो गर्म और कभी इतने ही क्यों ना आपको इस्तेमाल करवाने चाहिए तो आप वो इस्तेमाल करवाएंगे और मवा कर इस्तेमाल की जाए उसे मगज की तरफ या कंत की तरफ ला कर उसे खारिज करेंगे। अगर पुराने दर्द साल में आपको तो पेस्ट लगाने की जरूरत पड़े जिसे हम जमात कहते हैं
जरूरत पड़े तो पहले कोशिश करेंगे सार जैसे पाल सारे उतरवाने से, उसके बाद सार के चारों तरफ जो है वो हमारे यहाँ पहले वो तो कड़ा भी लग जाता है, तो हमारे तो पहले आटा गूंथते वो एक बबर आ गया उसके अंदर फिर जो है वो देख जाते हैं ताकि सार को अच्छी तरह से जो है वो ज़्यादा कुछ हो जाए उसके अंदर। और रकीक दवाएं जो कि आसानी से जज़्ब होनी है, रकीक और लतीफ दवाएं हमने उसके सर पर डाली हैं ताकि वो मसूद हो जाए और सर को जो है फायदा करें। एक और बात कि जहां तक जो बेहिसी पैदा करने वाली दवाएं जिन्हें हम मुखदर दवाएं या सैडेटिव मेडिसिन कहते हैं, ठीक है जी, इन्हें आपने कोशिश करें खतुल मुकदार के उन्हें इस्तेमाल नहीं करना। अगर अगर इनके इस्तेमाल की जरूरत आप महसूस करें कि आप गुजारा नहीं, आप देनी ही पड़ेगी, तो कोशिश करें उसकी इसलाह करके उसे इस्तेमाल करें। मसलन अफ्यूम के साथ अगर आप जाफरान मिला लेंगे तो उससे उसकी इसलाह हो जाएगी और फिर वो आपने इस्तेमाल होगी और उसका आपको नुकसान भी कम से कम होगा। अगर दर्जे साल के साथ नजला हो तो ऐसी हालत में सार को झंडक पहुँचाना और उस पर रोगन की मालिश करना ये मुनासिब नहीं, ये आपने ना यकी नहीं करनी। अगर किसी शख्स के सार में दर्द किसी जुजब से मुंतकिल होके आ रहा है और ठंडक पहुँचाने से उसमें आप मरीज को रिलीफ मिल रहा है तो उसके लिए फसल और हजामा को आप प्रायोरिटी दें, क्योंकि तभी हालत में अक्सर ऐसा होता है कि दर्द की वजह से फुजलात जज़ब होकर चले जाते हैं और इससे दूसरी बीमारियां पैदा होने का डर पैदा होता है। दर्द सर में कैसे परहेज करें, दर्द सर में जो क्या कराना है ना वो मरीज को नुकसान करना है, लेकिन अगर दर्द सर मेदे की शिरकत की वजह से हो तो फिर क्या करवाने की जरूरत है। दर्द सर के मरीज को तुरस्त चीजें वो आप नहीं देंगे गैर मुनासिब, लेकिन बात फिर भी आती है अगर मेदे की शिरकत की वजह से हो तो फिर अगर आपने मेदे को ताकत दे रहे हैं वहां आपने तुलसी यूज कर ली है तो वहां इस्तेमाल की इजाजत है। मैंने हाबी पढ़ रहा था तो और हाबी में दो चीजें मुझे दर्द सर के अमराज में मुझे नजर आई। एक जितने भी दिमागी अमराज हैं वो दो तरह से पैदा हो रहे हैं, एक लोकली तो मसला है, दूसरा वो मेदे की शराकत है। अमराज दिमागी के पैदा होने की दो बेसिक वजूहत उन्होंने राजी ने की। मैं आपको आदमी बात करनी पड़ गई, एक बार याद रख रहे मेरी तबीब जिसे मैं महत्म हो राजी शायद वाली सी ना बेशक तबीब है लेकिन वो नजरियाती है, उसने हमारी नजरियाती बेस को दुरुस्त किया, लेकिन जो तबीब है वो राशि है। आप अलहाबी पढ़े शायद एक ही दफ़ा हमारे यहाँ छपी है, अभी शायद शेर के पास पढ़ी हो, यकीन करें वो आपकी जिंदगी का खजाना हो आपके लिए। अगर बुहार की हालत में आपको सर्दर है तो ये गर्मी की सूरत में ऐसी सूरत में बहरात को ठंडक पहुँचाने वाले तला लगाना मुनासिब है, क्योंकि ठंडक पहुँचाने से बहारात लौट कर बहार को और तेज करते हैं। जो दर्द सर बरूनी हवा की वजह से हो उसमें दर्द जिस तरफ आपको है उसी तरफ के नथने में आपने दवाई जो है वो रखानी है, वह एक नाक बंद है या दूसरी तरह से आपको जिस साइड पे हो रही है तो उसी तरह से आपको जो है दवाई डाले। शहर का कौन है शहर को सीना कहते हैं कि मरीज के पेशाब अगर आपको वो गधे के पेशाब से पेशाब नजर आए, मरीज का पेशाब और गधे का पेशाब एक तरह से नजर आए तो ये इस बात की दलील है कि मरीज को दर्द सर था, क्या उसको मौजूद है या अनग्रीम होने वाला, ये बड़ी पक्की बात है।
इस तरह बहारों में और बहरान के वक्त पेशाब का रंग सफेद है और रकीक है, तो ये इस बात की दलील है कि मादा मर्द सर की तरफ मुंतकिब हो रहा है। और ये एक ऐसी बात है जो कि दर्दे सर के यकीनी तौर पर पैदा होने को बताते हैं। तो ये बेसिकली एक पॉलिसी मैटर है कि आपने जब दर्दे सर का इलाज करना है तो फिर आपने ये जो चीजें मैंने अभी आपसे डिस्कस की इनको आपने मद्देनजर रखना है। बात इसमें बड़ी लंबी है लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको वाइंड अप की तरफ लेके आता हूँ। मैंने कुछ चीज़ें इसी में से पकड़ी, अभी मैं अभी काम कर ही रहा था, फिर आप आगे फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट में हम ज़्यादा करेंगे। सर में दर्द हो और सर के दर्द में आपको उसके साथ शैटी का आधे सर का दर्द भी होगा, आधे सर का दर्द हो और इसके साथ जो है दिमागी अमराज वो भी बोरिंग हो जाए या मेदे की वजह से भी आपको दर्द के साथ हो, अगर ये सिम्टम मिले कि सर में दर्द हो, आधे सर का या दर्द हो, इसके अलावा कोई दिमागी मर्द है, मालिक बोलिया जरूर है, इस सर की लागत आपको मिली है और साथ मेदे की भी शिरकत आपको नजर आए, तो इसके लिए दवाई है वो त्रिफल सुनाई है। त्रिफल सुनाई नुस्खा की कोई प्रॉब्लम नहीं है, किताब आप ले लें उसके आपको मिल जाएगा, नुस्खा प्रॉब्लम नहीं है, त्रिफल सुनाई दवाई है। सर में दर्द है और आंखों में भी दर्द है और कान में भी दर्द है और जो ये दर्द है ये बहरात की वजह से हो तो दवाई बदल जाएगी। आप दवाई आप अतरीफल कश्मीर ही ले लें, अतरीफल कश्मीर यूज करें इसके लिए। दर्द सर पुराना है जिसे हम कहते हैं सदाई मुस्लिम, अगर दर्द सर पुराना है और दिमागी अमराज भी इसके साथ मौजूद है, कान में दर्द है और मैदा और आंतों में भी साथ दर्द मौजूद है तो दवा अतरीफल बनी है। दर्द सर की अक्सर इकसाम और मेदे में अगर गलीद खिलाफ मौजूद हूँ आप उनको दफा करना चाहते हैं तो एक बड़ी यूनानी मस्ती दुआ है वो है हजारे फैकड़ा। हजारे फैकड़ा से बहुत कम लोग वाकिफ हैं और जो नए तबीब हैं ये तो बिल्कुल ही बात होती है, लेकिन मैं अभी एक अपडेट सी का मरीज है तो मैंने राजी को देख पड़ा, राजी ने भी इस मामले में मैंने जब वो देख रहा था तो मेरा वो हम जुल्फ है तो उससे प्रॉब्लम नहीं हुई, तो मैंने वो देखा तो उन्होंने वहाँ यारी फैकड़े का जिक्र किया, तो मैंने सुल्तान साहब का जिक्र किया, मैं यार सुल्तान साहब की दे रहा, वो कहता मैं यारी फैकड़ा दे उसके लिए, तो यारी फैकड़ा बहुत बड़ी दवाई है। मेरे दोस्त हैं उधर ईर वाली में भावल नगर, वो इसे बहुत बनाता है, बहुत इस्तेमाल करवाता है, तो ये दवाई जो है लेकिन अगर आपके हाथ पे चढ़ जाए आप इसको समझ जाए इस्तेमाल करने का आपको तरीका आ जाए तो ये सर दर्द की अक्सर इकसाम में आपको जो है बड़ा बेहतरीन फायदा आ जाएगी, खासतौर पर उस वक्त जबकि मेदे के अंदर गरीब इजलास मौजूद हूँ तो ये हजारे फैकड़ा जो है आपके लिए अच्छी मैसर होगी। अगर आपके सर में दर्द है और उसकी वजह जो है वो मेदे के खराब बवारात हैं जो मुसलसल दवा की तरफ चढ़ रहे हैं तो दवाई होगी अजारज ओ फकरा तीस, इसको बोली नबी पता कभी कोई नहीं है लेकिन ये बड़ी प्यार है अजारज हो ओ फकरा तीस, ये रेंज रखती है दर्द साल है शदीद दर्द साल और सरसाम खूनी है, इसे कहते हैं फरानी तुस, सरसाम खूनी है और शदीद दर्देदार और बेखाबी भी है तो इसका इलाज है पशोया। पशोया के काफ़ी सारे नुस्खे हैं उसके अंदर मौजूद है, अगर मैं नुस्खे भी बताने शुरू कर देता तो फिर आपके लिए शुरू हो जाए क्योंकि दो घंटे का लेक्चर चाहिए। उसके बाद है दर्दे साथ मादे की वजह से और मादा गर्म है यानी सफरावी है या दम भी है, सो खिलती गर्म है ना, गर्म दर्जे साल है तो इस दवाई को आपने तनकिया के बाद इस्तेमाल करना है, पैरेंट का दवाई को तनकिया करना है और बहुत
तो नहीं देंगे कबूल है, तो नहीं देंगे ज़्यादा सीख करना है कबूल का नुस्खा कराना सादत है सुदाई मुस्मी है इसके साथ फालज भी है आशा भी है मरीज कोई अलगवा भी हो सकता है मिर्गी का भी मर्द है उसे जिकर और तिरी के भी अमराद है ये मरीज आ गया आज कल आपको हवा तो मिल सकते हैं ये जो कम्प्लेक्स होता है ना मजलूम का ये आज कल बहुत ज़्यादा है तो इसकी जो दवाई है हमारे पास ये सातन जलूस नुस्खा मौजूद है बढ़ाना नहीं आप रही ये सातन जलूस ये एक मल्टीपल किस्म की बीमारी है दवाई है ये कमल खुशी की दवाइयाँ हैं सियासे ना समझिएगा दर्द सब पुराना है मिलती है और सख्ता भी है और साथ आंखों का मर्द भी है अमराद चशम है दवाई हम बेजारे थे बेजारे इसकी दवा है दर्द सर है और उसकी वजह सबरा है या बलगम है और वो दिमाग इतने ज़्यादा है तो दवाई है हफे शब यार ये तो बंदी की ये कंपनियाँ बनाती हैं हफे शब यार उसकी दवाई है सर में दर्द है आँखों में भी दर्द है और गलीज फुजला जो है वो दिमाग में मौजूद है तो दवाई है हफे को पाया इसे हफे जालिनूस भी कहते हैं ये उसकी दवाई है दर्द के साथ ही तकरीबन कई आगे मैंने एक दवाई बताई आपको अक्सर इस्लाम में और यहाँ भी एक फिर दवाई आ गई है दर्द के साथ तमाम इस्लाम की मालिक हो लिया हो आंखों के अमराज हो हबे हलला हबे हलला इसके लिए दवाई हो दर्द सारे दर्द शिकीका है और साथ जो है पैसा दर्द पैसा दवाई हबे मुजर्रब है मुजर्रब आप लिखा होता मैंने मुजर्रब लिख दिया कि वो मुजर्रब है इस काम के लिए मैंने इसका नाम मुजर्रब रख दिया लेकिन दवाई बड़ी प्यार एक और मसला उन्होंने यहाँ पर डिस्टर्ब किया कि दर्द सर है दर्द शिकीका है और दर्द शिकीका को मैदा से गर्म बुखार आ जा रहे हैं दिमाग की तरफ और इसके साथ मरीज को गेट किया भी है तो उसके लिए जो है एक एक और हबूब है मैंने हमें दीगर के नाम से यहाँ पर उसमें लिखा है और मसला दर्द सर है दिमाग कमजोर है गर्म बघारा दिमाग की तरफ जा रहे हैं धूप भी नहीं लगती हारमा भी कमजोर है बंदा परेशान भी ज़्यादा जैसे आपका लगती है और सर में दर्द भी है तो एक हरीदा है हरीदे का नुस्खा है क्लासिक आप उसको कंप्लूट कर देगा दर्द सर खुश्की की वजह से और इसके साथ दिमाग भी दर्जा ज्यादा कमजोर है हलवा बना के देना है अपने मरीज को और हलवे में क्या होगा कद्दू खिशकाश और रोगने बादाम ये आप इसका हलवा जो है उसे निशास्ते में बना के देंगे दर्द सर है और नींद भी नहीं आ रही बेखाबी भी है तो दवाई मुनबम के नाम से नुस्खा मौजूद है चोट लग गई सर पर चोट लगने की वजह से सर दर्द है दवा है रोगने अखलीजुल मुल्क फिर आपने सर पर लगाना है रोगने अखलीजुल मुल्क नमूना दर्द है सारे कान में भी दर्द है और बहरा बन भी है सुनाई नहीं दे रहा उच्चा सुनाई दे रहा दवाई है रोगने बदाम तलख सर में गर्मी मौजूद है और बहरात जो है वो सर में चढ़ गए और बंद हो गए हैं अब मैंने वो रिसेंटली उसी का देखा मैंने हमें यारे का जो नुस्खा जो दिया उन्होंने कहा जी वो जो सी का मरीज कोमा में चला जाता है ना वो बेहोशी में चला जाता है उसकी वजह से वो कहते हैं कुछ कैसिट बनती हैं और वो कैसिट बन के दिमागी बतून के अंदर जो है वो ब्लॉक हो जाती है तो फिर वो कुछ एंटी जो है एंटीबॉडी दवाइयाँ देते हैं वो उनको हल करके फिर वो खत्म करती है तो अगर कोई ऐसी कमी है कि बुखारात
जिन्हें आप आज के दिमाग में कैसी जी कहेंगे वो दिमाग में चले हैं, बंद हो गए हैं। तो दवाइयां रोकने को भूलना, आधे साल का दर्द है तो उसके लिए पहले मरीज को हमाम करवाए, और हमाम करवाने के बाद जो है उसे नाक में से आपने ये दवाई जो है वो साउट कर ली है। दवाई कौन सी है? रोगने पिस्ता, दर्द सर है और मिर्गी है, और मिर्गी की वजह जो है वो सदम आता है, यानी या बलगम है और या सुधा है, तो ये दो बातें जो है वो सद है। साथ जो है वो कमर में दर्द भी है, कूल्हे का भी मसला है, कुंडू और मसानों का दर्द भी है, पेशाब और मैंसिल, पेशाब भी सही नहीं आ रहा, मैंसिल भी डिस्टर्ब है, और पेट में रिया भी मौजूद है। तो दवाई है इसकी रोगने सिदा, रोगने सिदा। तो ये एक छोटा सा जहाँ तक मैं पहुँचा था, एक काम बड़ा था कि करने का, फिर मैंने इसको भी रोक दिया, मैंने कहा यार कितनी डॉक्टर मेरी काफ़ी है। तो दोस्तों जो हमारा फ़न है, हमारा फ़न अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक ये तरक्की की मंजिल तय करता जा रहा है। मामला इस दौर में ये हुआ है, फ़न मौजूद है, फनकार नहीं। तो ये जो कोशिश है ना, हमें फनकार बनाने के लिए हमने कोशिश की है, सीखने का अमल। मुझे 35 साल हो गया, मैं तालब इलम रहना मेरे लिए बात से आवाज है। आप लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है, जितने लिसनर ज़्यादा होंगे उतना जो है वो हमारे लिए सीखने का भी शौक और जज्बा ज़्यादा होगा। आज इधर लगी है, मैं अगर अगली दफ़ा नीचे लगेगी क्योंकि ठंडा माहौल है, आगे तो गर्म हो रहा, हमने बर्दाश्त कर लिया है। नेक्स्ट जो है वो नीचे पर बैठेंगे, वो नीचे ही बैठने जो है वो चले जाएंगे। तो ये बातें।